हाय भाई, एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ कि कैसे हम घर बैठे पासपोर्ट साइज में फोटो को निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि कभी भी हमको ज़रूरत पड़ जाती है कि, और अगर हमारे आसपास कोई फोटो की दुकान ना हो, फोटोग्राफर ना हो, तो हम घर बैठे किस तरीके से फोटो को निकाल सकते हैं, वो भी कम खर्चे में। ज़्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, हमको सिर्फ हमको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी और आप बड़ी आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, मतलब कि पासपोर्ट साइज में फ़ोटो को निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आपको और भी किसी भी साइज में फ़ोटो को निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं। चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, आप सिर्फ फ़ोटो का साइज सिलेक्ट करिए और आप आराम से फ़ोटो को निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा देर नहीं करूँगा, मैं सीधे चलूँगा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। कैसे कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल वाइज बताने वाला हूँ। तो उससे पहले, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कर देना। चलिए, ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधे मोबाइल की स्क्रीन पे। सो दोस्तों, आपको प्ले स्टोर से ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। वो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और अब आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको न्यू फोटो पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आप यहां से अपना साइज़ सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारी कंट्रीज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साइज़ भी देखने को मिल जाता है, तो हम इंडिया सर्च करके इसमें पासपोर्ट साइज़ वाला सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, और भी साइज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आपको 300 DPI ही रखना है। अब दोस्तों, आपको थोड़ी बहुत परमिशन दे देनी है इसे, और उसके बाद और यहाँ से हम अपनी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेंगे गैलरी पे क्लिक करके। ये वाली फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर ली है। अब स्टार्ट एडिटिंग पर क्लिक करेंगे। अब ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी तो ये अपने आप स्टेबल हो जाएगी। इसके बाद आप थोड़ा इसको एडिट कर भी सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं और मिरर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो का साइज सिलेक्ट कर लेना है, मतलब फेस वाइज इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है। और अब हम क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। सो अभी ये हमारी क्रॉप हो चुकी है। इसके बाद आप थोड़ी एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, तो हमारी वाले लिए तो परफेक्ट है। तो हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, आप यहाँ से इस फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना चाहें तो बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। इसकी जगह कोई दूसरा बैकग्राउंड लगा सकते हैं। चेंज पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको क्या कहते हैं, बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। मैनुअली भी ऑप्शन है और मैजिक वाला भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर इस तरीके से आप इसको इरेज कर सकते हैं बैकग्राउंड को। सो दोस्तों, हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं, हमको करना नहीं है इसका बैकग्राउंड रिमूव। गाइस, इसके बाद हमें डन पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको सेव का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। और अब हम इसको स्किप कर देंगे क्योंकि हमें बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना। अब दोस्तों, आप यहाँ से आउटलाइन भी ऐड कर सकते हैं। ऐड एन आउटलाइन पे क्लिक करके इस जगह से इसको पतला और मोटा भी कर सकते हैं। कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको आउटलाइन रखना है जिस कलर में। इसके बाद हम डन कर लेंगे। इसके बाद आपको किस फॉर्मेट में इमेज को लेना है, मतलब PNG या फिर JPEG। उसके बाद आप यहाँ पे इमेज का नाम भी चेंज कर सकते हैं इस जगह से। और आपको फाइल साइज दोस्तों लार्ज ही रखना है, जितना आप बड़ा रखेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी में आपकी फ़ोटो निकल के आएगी। इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर लेंगे। और दोस्तों, अब यहाँ पे आप ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करके टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों, हम प्रिंट मल्टीपल पर क्लिक करके यहाँ से अपनी इमेज का साइज सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। तो हम A4 साइज सिलेक्ट कर लेंगे और कुछ इस तरीके से फ़ोटो बन के आएगा A4 साइज में। तो आप यहाँ से माइनस भी कर सकते हो, तो आप इस जगह से कुछ इस तरीके से माइनस भी कर सकते हो। हमें ज़्यादा फ़ोटो नहीं लेनी, सिर्फ हम चार फ़ोटो लेंगे। और आप यहाँ से गैपिंग भी कर सकते हो, जिस तरीके से गैपिंग हो जाती है यहाँ। अब दोस्तों, हम सेव पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम दोबारा से सेव पे, सेव फ़ोटो पर क्लिक कर देंगे। हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमें एक ऐड देखने को मिलेगा, ज़्यादा देर का नहीं होगा, 10 से 15 सेकंड का होगा, क्योंकि ये फ्री ऐप है तो एक ऐड तो आप देख ही सकते हो। अब दोस्तों, आपके पास जिस भी कंपनी का प्रिंटर है उसका ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। उसके बाद आप उस जगह से प्रिंट कर सकते हैं कनेक्ट करके प्रिंटर को।
मेरा तो HP कंपनी का है, तो मैंने HP का ऐप इंस्टॉल करके कुछ इस तरीके से अपनी फ़ोटो को प्रिंट कर लिया है। A4 साइज पेपर में है, काफ़ी सही लग रहा है, और आप भी इस तरीके से घर बैठे बहुत कम खर्चे में फ़ोटोज़ को प्रिंट कर सकते हो। होपफुली दोस्तों आप भी घर बैठे अपनी पासपोर्ट साइज में फ़ोटो को निकाल सकते हैं, या फिर और भी किसी भी साइज में आपको फ़ोटो को निकालना है तो वो आराम से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। और दोस्तों अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे लाऊं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये वाली वीडियो बहुत सारे लोगों के काम आ सकती है, तो शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm trying to tell you what to do, we're trying to play cool, baby I ain't playing by your rules, yeah.